सब्जी के पीछे एक किस्सा या कहानी है। हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया, हम भी बढ़िया हैं। आप भी बढ़िया हो तो हम भी बढ़िया हैं। हम बढ़िया नहीं हो तो इस व्लॉग को देखो यार, बढ़िया हो जाओगे। फुल एंजॉय करो आराम से। तो पहले तो व्लॉग को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। वाई आर व्लॉग। ओके, थोड़ा दिमाग में रखने के लिए वाई आर व्लॉग। एंड आज का प्लान कुछ ऐसा है, सुबह से, ठीक है, सुबह हम उठे 7 बजे, उसके बाद कुछ काम से बाहर गए। काम ये था, सब्जी लेने गए, और बाहर का जो सीन है, मैं अभी बहुत टाइम से गया हूँ बाहर। बाहर का जो भी सीन है, लॉकडाउन लगा हुआ है, मगर सुबह 6 से 10 बजे तक ओपन रहती है सारी शॉप। तो सब्जी लेने गए थे, पूरा जो भी रोड्स है, जो भी दुकानें हैं, फालतू कोई नहीं घूम रहा है, सारे दुकानें बंद है, रोड पूरी खाली पड़ी है। पहले आप ये क्लिप देखो, उसके बाद आगे व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आपने ये क्लिप्स देखी, कैसी लगी आपको? पूरा जो बाहर नहीं जा रहे उनको मैं ये दिखाना चाहता था। मैंने कहा थोड़ा एक क्लिप लेता हूँ, आपका शेयर करता हूँ। तो बाहर का सीन जो है ये चल रहा है बाहर। तो बाहर कुछ काम हो तो ही आप निकले, बाकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। और काम हो तो जाना ही पड़ेगा, वो तो पता है आपको। तो आज हम सब्जी लेने गए थे, सब्जी लेके आए, और मॉर्निंग में एक्सरसाइज के लिए मैं नहीं उठ पाया। उसका रीज़न बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता मुझे, आपको बताया था मैंने। कल भी रात को 2 बजे सोया था मैं, उसके बाद सुबह नहीं उठा जाता है, क्योंकि उठने के बाद फिर आलस रहता है और मज़ा नहीं आता है। तो ये शेड्यूल पता नहीं थोड़ा बिगड़ गया हमारा, तो इसको यार चेंज करने का बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर हो नहीं पा रहा है। मगर जल्दी जल्दी इसको चेंज करेंगे। और कल वाला व्लॉग नहीं देखा, जाके देख लेना यार आप, बहुत अच्छा व्लॉग बना है, वो भी मज़ा आएगा आपको। तो अभी वही अपना पुराना ये रूम क्लीन होगा, उसके बाद हम क्लीन होंगे, और आगे व्लॉग में बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ेंगे नहीं, व्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक जो ट्रांजेक्शन है आज, डिफरेंट करेंगे, ठीक है। तो वेट एंड वॉच। तो इसको क्लीन करते पूरा, जो भी ये हमारा रूम है, प्यारा सा छोटा सा रूम, इसको क्लीन करने के बाद ही व्लॉग में आगे बातचीत करेंगे आपसे यार। और तो क्या करेंगे, लॉकडाउन लगा हुआ है तो यही अपना काम है, ठीक है। तो पहले क्लीन करता हूँ, उसके बाद एक ट्रांजेक्शन, अच्छा सा ट्रांजेक्शन आज बहुत आपके लिए किया है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। बस कमेंट में बताना ट्रांजेक्शन कैसा लगता है आपको। तो पहले रूम क्लीन करता हूँ, उसके बाद ट्रांजेक्शन शेयर होगा आपके, ठीक है। तो रूम क्लीन करने के बाद मिलते हैं इधर ही ट्रांजेक्शन के साथ। तो रूम एकदम बढ़िया वाला क्लीन हो चुका है। अब जो ट्रांजेक्शन आपके साथ शेयर होगा, बड़ा ही अद्भुत होगा मेरे लिए। ये ट्रांजेक्शन मैंने अपनी कोई भी वीडियो, रील्स वीडियो या और भी जहाँ पे वीडियोस अपलोड करता है, वहाँ पे ये यूज़ नहीं किया। फर्स्ट टाइम आपके साथ शेयर होगा ये ट्रांजेक्शन। तो
तो आप देखो कैसा लगता है, कमेंट में बताओ। उससे थोड़ा मोटिव मिलेगा तो ट्रांजेक्शन बनाते हैं। देखो आप, चुटकी वाला ट्रांजेक्शन नहीं है ये, ट्रांजेक्शन अब बहुत नॉर्मल सा है, एक नया ट्रांजेक्शन बनाते हैं, ठीक है। देखो आप, तो मैं यू, ये ट्रांजेक्शन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। और अच्छा लगा तो इसी बात पे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना वायर ब्लॉग को। तो अब चलते हैं नीचे, खाने में क्या है देखते हैं, और आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। चलो फिर नीचे चल के देखते हैं खाने में क्या बनाया है। नहाने के बाद खाना दिखता है, खाने के बाद सोना दिखता है, सोने के बाद उठना दिखता है, जमा नहीं तो अभी बोल दिया, अपना व्लॉग है कुछ भी बोल सकते हैं। तो आज है चंदलिए की सब्जी और रायता एंड रोटी। इस सब्जी के पीछे एक किस्सा या कहानी है जो आपके साथ शेयर होगी। अभी खाते 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 कुछ किस्सा और कहानी आपके साथ शेयर करेंगे, तो देखें और इसका टेस्ट कैसा है अभी बताता हूँ आपको। तो इस सब्जी के पीछे एक किस्सा है जो पापा सुनाएंगे आपको, तो सुनाए। किस्सा ऐसा है कि एक बार गर्मियों की छुट्टियों में सारे बच्चे वगैरह आ रखे थे मेरे भांजा भांजी तीनों सिस्टर के, तो सब्जी तो यही बनी हुई थी और वो अचानक से आ गए। अब उनको भी बहुत यूं भूख लगी थी, तो हमने बोला कि अभी थोड़ी देर रुको बना के, नहीं इसमें से ही सैर करते हैं। तो आप यकीन नहीं करोगे, ये जो छोटा वाला चम्मच है ना, ये मुश्किल से दो दो चम्मच उनको सबको मिली और उसमें सब ने आराम से भर पेट खाना खाया। तो ये सब्जी का आनंद बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हो, आप भी इसको प्रयोग कर सकते हो। और इसकी गवाही अगर चाहते हो तो ये मेरी सिस्टर बैठी है सामने, तो बात कर सकते हैं आप। सही है ना भाई, सही बात है। आज भी ये सब्जी, आज भी वही टेस्ट है, इसलिए इसको तरोताजा लॉकडाउन में याद करने के लिए ये सब्जी, खासकर इसको साफ करने में जितना टाइम हमें लगा और खाने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। तो इसमें मेहनत बहुत है और टेस्ट भी बहुत है, तो खाना खाते हैं और उसके बाद आगे लोग को कंटिन्यू करेंगे। तो खाना खाने के बाद अब थोड़ा ऊपर आए, ऊपर आके एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। बाहर का जो मौसम है बहुत ज़्यादा, बाहर का जो मौसम है बहुत ही भयंकर हो चुका है। देखो आप, लेट्स सी, ये है बाहर का मौसम। तो आज शायद बारिश आने का चांस है। तो क्या पता आज बारिश आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, अभी हवा चल रही है तो मौसम अच्छा है और गेम भी प्ले करते हैं नीचे चल के, वो भी लूडो। बादल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखें आप इस खूबसूरती को। क्या नज़ारा है, यहाँ पे एकदम क्लीन है और इधर बारिश का माहौल है। ये शॉट दिखाने के लिए मैं नीचे से आप सभी के लिए ऊपर आया इस जगह। एक चीज़ और, लॉकडाउन का ये फ़ायदा है, सारी जगह आपको शांति देखने को मिलेगी, जैसा कि हमारी गली के पार आप देख सकते हैं एकदम शांत पड़ा है, पूरा एकदम कोई भी आवाज़। तो ये है लॉकडाउन का फ़ायदा और हवाओं का मज़ा।
तो पहले एक चांस खेलेंगे कैरम, नया गेम है, उसके बाद खेलेंगे लूडो, तो एक चांस कैरम खेलते हैं, उसके बाद आगे लूडो खेलेंगे। तो कैरम में मज़ा नहीं आया है, अपना वही पुराना लूडो खेलेंगे। दादा के साथ मैं हूँ टीम में और पापा के साथ बुआ है टीम में, तो इनको हराते हैं फिर आगे व्लॉग कंटिन्यू रखेंगे। तो फटाफट इनको हरा के उठते यहाँ से, ठीक है। तो तीन में से एक गेम जीते, एक और जीतना भी बाकी है, वो जीतेंगे तब हमारी कंप्लीट जीत होगी। तो एक गेम जीत चुके हैं, बताएं आप, हम आपकी खुशी, जीत की खुशी बताएं। मजा आ गया इस मैच में, इस मैच के फर्स्ट विनर हम रहे और अब सेकंड गेम शुरू होगा। तो कोडी जम चुकी है और दो मिनट पापा आ रहे हैं, फिर वापस से प्ले करते हैं। और आप देखो, एक गेम जीते हैं, अभी एक और जीतेंगे तो पूरा विन हम रहेंगे इस गेम के, देखें आप। तो सेकंड गेम है जो पापा जीते हैं, अब लास्ट गेम में तो दादा और मैं एक एक जीते हैं, अब लास्ट गेम में देखते हैं कौन जीतता है, वो जो जीतेगा वो विनर है। तो जो जीता वही सिकंदर, देखते हैं वो तो, और जीतेंगे हम ही। तो आप देखो और हम खेलते हैं, वो समय बताएगा जो जीता वही सिकंदर। तो गेम के विनर पापा रहे, ये बहुत टक्कर का गेम चला, बहुत ज्यादा कोशिश बहुत करी लेकिन अंतिम में हारी मिली इनको। तो मैच के विनर ये और हुआ ये देखो, जीत में भी कोई दम नहीं है, ये जीत के अंदर भी वो दम नहीं है, जीत गए। देखो अंगुली दो दिखा रहा है, जीते तो अभी सेकंड आए। तो सन शॉट लिया आज, ये मैंने कुछ नया बनाया, सन शॉट नाम रखेंगे इसका, सन का जो भी शॉट हुआ उसको नाम दिया हमने सन शॉट। तो अब आज खाने में बना है हमारा ट्यूसडे स्पेशल पुलाव, ठीक है। संडे स्पेशल तो होता ही है, ट्यूसडे स्पेशल भी है, तो लेके आता हूँ ऊपर खाना, ऊपर लेके आता हूँ या नीचे खाएंगे पता नहीं है, नीचे पूछते हैं सब लोग क्या खा रहे हैं, सबके साथ खाते मज़ा आता है। तो पुलाव दिखाता हूँ आपको मैं, बहुत टेस्टी बनाती मम्मी, तो मैं लेके आता हूँ इधर या नीचे खाएंगे देखते हैं, ठीक है चलो। तो पहले थोड़ा अच्छा से बैठ के बात करते हैं आपसे, वो भी चाय के साथ। तो खाना खाया था हमने 8 बजे और अब चल रही है चाय, तो थोड़ी चाय की चुस्की लेते हैं, आगे फिर बात करते हैं आपसे।
मुझे ज़्यादातर अपनी बनाई हुई चाय अच्छी लगती है। खाना खाया हमने 8 बजे, अभी बज रहे हैं 11। मैंने सोचा ब्लॉग को एंड करता चाय के साथ। चाय मुझे अपने हाथों से बनाई हुई अच्छी लगती है, जो बनाते हैं ना उनके हाथों से टेस्ट नहीं आता है कसम से। पहले चाय पीता हूँ फिर आपके ब्लॉग में कंटिन्यू रहता हूँ। चाय को पीने का मज़ा गर्म में ठंडी होने के बाद मज़ा नहीं आएगा। अब जो 15 तारीख के बाद मैंने बोला आपको अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत बढ़िया आएंगे, कुछ स्टोरी टाइप या कुछ किस्से होंगे। इस ब्लॉग में भी एक किस्सा था यार, छोटा सा, आपने नोटिस किया हो तो, सब्जी के ऊपर था वो किस्सा। अगर अच्छा लगा तो उसके बाद एक लाइक कर देना, चाय की तारीफ करो उतना काफ़ी है। वैसे कुछ की तारीफ करनी नहीं चाहिए मगर चाय रियली में अच्छी है। चाय आज रात को इसलिए पी रहा हूँ, मॉर्निंग में मैंने चाय नहीं पी थी और रात को इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि अब व्लॉग एडिट करेंगे ना तो थोड़ा एनर्जी चाहिए यार शरीर। ऐसा कुछ नहीं है कि चाय से जगे रहते हैं रात को, ऐसा कुछ भी नहीं बनता है, बस थोड़ा एनर्जी रहती है, काम में मन लगा रहेगा। चाय हमने पी ली है एंड सुबह हम सब्जी लेने गए थे ना, पूरा लॉकडाउन जो लगा है आज से भयंकर लॉकडाउन लगा है, बहुत हालत ख़राब है। सुबह गया तब पता चला सारी जगह बंद पड़ी है, ओनली फॉर जो काम की चीज़ें हैं वही ओपन है, बाकी तो आप बेवजह बाहर नहीं जा सकते। तो स्टे होम स्टे सेफ, तो बाहर जाए तो मास्क का उपयोग तो अब तो आदत सी हो गई है एक, तो उसमें तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये व्लॉग आपको अच्छा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना और मिलता हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट व्लॉग के साथ, ठीक है।